एसएनजी चिल्ड्रन एकेडमी गोविंद नगर में आज बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व दशहरा दुर्गा अष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में फैंसी ड्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें एसएनजी ए प्ले ग्रुप के बच्चे भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, रावण और माँ दुर्गा के रूप की वेशभूषा में सजकर विद्यालय आए। विद्यालय के बच्चों के द्वारा भगवान श्री राम की रामलीला का मंचन किया गया। उसके बाद इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में रावण का दहन किया गया। विद्यालय के प्रबंधक संजय यादव ने इसे पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाला पर्व बताया। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य सीबी गिरी ने सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों को इस पर्व की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व हमें अपने अंदर की बुराइयों को जलाकर अच्छाइयों को अपनाने का है। इस अवसर पर निवृत्तिवास ने तन्मय, सक्षम, शुक्ला, शगुन, हिमांशी, विमान, गंगवार, शिवांशी, राघव, सेजल, सैनी, निशिका आदि बच्चों ने फैंसी ड्रेस में भाग लिया, जिसमें शबनम रस्तोगी, रचना शर्मा, अंजू चौहान, सरिता भारद्वाज, रेणु शर्मा, कंचन, छवि, प्रिया, इकरा आदि अध्यापिकाओं ने अपना सहयोग दिया। आज हमारे विद्यालय अकेडमी में और एसएनडीए प्ले ग्रुप में दशहरा पर्व और नवरात्रे का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, और जिससे आज रावण का दहन किया गया और सभी बच्चे आज भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण की वेशभूषा में सज के विद्यालय आए थे। और इसके आज फैंसी ड्रेस का भी आयोजन किया गया है, और आज सभी बच्चों ने जो रावण दहन हुआ उसका एक उत्साहपूर्वक एक आनंद लिया है। और मैं इस पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा, और सभी पर्व को आपस में मिलजुल कर मनाएंगे। आप मानते हैं ऐसे कार्यक्रम बच्चों के बीच को मनाने का क्या संदेश रखें? आज हमारे विद्यालय एसएनडी चिल्ड्रन एकेडमी और एसएनडी ए प्ले ग्रुप के बच्चों को हम लोगों ने रावण दहन और जो कथा है हमारी रामायण की उसके बारे में बच्चों को बताया, और किस प्रकार से बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त हुई थी और किस तरह से हम लोगों को बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ना है इस बारे में बता करके हमने बच्चों को उत्साहित करा। और इस तरह के कार्यक्रम कराने से बच्चों के अंदर एक जो हमारे इतिहास रहा है बुराई पर अच्छाई की विजय का, उससे बच्चे जो हैं ओतप्रोत होते हैं और जीवन में उनको आगे बढ़ने में और अच्छाई और बुराई के बीच में अंतर करने में उन्हें जो है मदद मिलती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे मुरादाबाद के नागरिकों को? मुरादाबाद के समस्त नगर महानगर वासियों को और सभी अभिभावक बंधुओं को, अधिकारियों को, सभी को मैं दशहरा पर्व की बधाई देना चाहूँगा। नवरात्रि पर्व जो इतना शांतिपूर्वक तरीके से अपना महानगर में मनाया गया है, और मुझे लगता है कि हमारा मुरादाबाद जो है पूरे में मिसाल है एक अच्छे तरह से त्योहारों को मनाने में, और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव हैं जो सभी त्योहारों को मिलजुल करके मनाते हैं।